नमस्कार दोस्तों, जय टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं जितेश फिर से स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो इस बारे में है कि अपने पीसी या कंप्यूटर को स्क्रीन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ ये वीडियो देखते रहिए, और प्लीज़ अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको क्रोम के एक्सटेंशन को ओपन करना है। मतलब सबसे पहले आपको गूगल में सिंपली सर्च कर लीजिए वेब स्टोर। जैसे आप वेब स्टोर ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे फर्स्ट जो इस पर क्लिक कर लेना है। जिसे आप क्लिक कर लेते हैं तो आपको क्रोम वेब स्टोर का जो मेन पेज है वो ओपन हो जाता है। तो आपको यहाँ सर्च द स्टोर पे यहाँ पे आपको लिखना है स्क्रीन कास्टिफाई। आपको करना है स्क्रीन कास्टिफाई। तो जैसे ही आप स्क्रीन कास्टिफाई पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे स्क्रीन कास्टिफाई का इस टाइप से कुछ एक्सटेंशन मिलेगा। तो ये ना ही कोई एप्लीकेशन है ना ही कोई इसके अलावा कुछ नहीं है, आपको ओनली ये एक्सटेंशन ही है। तो आपको इसको मैंने ऐड टू क्रोम ऑलरेडी कर रखा है, तो आप यहाँ पे ऐड टू क्रोम आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए और आपको क्रोम में एक्सटेंशन में इनेबल कर लीजिए। तो उसके बाद आपको करना क्या है, आपको इस टाइप से कुछ आइकॉन दिखाई देगा, तो आपको इस आइकॉन पे क्लिक करना है। जैसे आप आईफोन पे क्लिक करते हैं तो आपको इस टाइप से कुछ टैब खुलेगा। तो आपको ऑप्शन देगा, स्टार्ट में जो ऑप्शन दे रखा है आपको टैब का, उसके बाद डेस्कटॉप, उसके बाद लास्ट में कैम का। तो मैं पहले टैब को बता देता हूँ। टैब में आपको यहाँ पे ऑडियो इनेबल के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। फिर आप यहाँ पे ऑडियो की स्पीड देख सकते हैं, लेवल देख सकते हैं आपकी ऑडियो की। उसके बाद आप रिकॉर्ड, अगर आप टैब रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो टैब रिकॉर्ड पे क्लिक करके रिकॉर्ड टैप कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे डेस्कटॉप का। तो आप अगर डेस्कटॉप पे रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप डेस्कटॉप रिकॉर्ड करने के लिए वो का वही ऑप्शन है कि ऑडियो इनेबल करना है यहाँ पे वीडियो। अगर आप यहाँ पे अगर आप चाहते थे कि वेब कैम अनेबल्ड हो तो आप यहाँ पे वेब कैम भी अनेबल कर सकते हैं। उसके बाद आप रिकॉर्ड डेस्कटॉप पे क्लिक करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपको लास्ट में ऑप्शन मिलता है कैम का, आप कैम वेब कैम से रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो वेब से भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ इसकी सेटिंग की। तो आपको यहाँ पे तीन लाइन ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही आपको क्लिक करना है तो आपको, मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेट कर रखा है, तो आप यहाँ अकाउंट में माई अकाउंट इस पर क्लिक करके कोई अकाउंट सेट कर लीजिए। तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलता है, फिर आपको योर रिकॉर्डिंग जो आपके ने रिकॉर्ड किया उसकी रिकॉर्डिंग। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें कुछ फीचर और जोड़ना चाहते हो, वैसे तो फ्री है लेकिन कुछ फीचर्स आपको इसमें उसके लिए आपको पेड करना पड़ेगा। तो आप बाय स्क्रीन कास्टिफाई पे क्लिक करके कुछ फीचर बाय कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलता है सेटिंग का। तो मैं जैसे ही सेटिंग पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं कि वेयर टू स्टोर योर रिकॉर्डिंग। अगर आप अपनी रिकॉर्डिंग को कहाँ स्टोर करना चाहते हैं, तो अगर आप गूगल ड्राइव में करना चाहते हैं तो जिस किसी अकाउंट से, जैसे मैंने यहाँ jrtechnology00@gmail.com से इसको रजिस्टर किया हुआ है, तो आप किसी भी अकाउंट से जिससे रजिस्टर कर रहे हैं जीमेल आईडी से, तो आपको जो भी रिकॉर्डिंग होगी उसकी उसकी ड्राइव में चली जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो तो आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलता है कि लोकेलिटी ऑन द डिवाइस। आप जिस डिवाइस में रिकॉर्डिंग कर रहे हो उसी में डिवाइस जो भी रिकॉर्डिंग है वो हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे शो नोटिफिकेशन व्हेन रिकॉर्डिंग ए बैकग्राउंड टैप। आप चाहते हैं कि रिकॉर्डिंग हो उस टाइम शो हो तो आप यहाँ पे मार्क अनमार्क कर सकते हैं। शो वीडियो एड प्रोग्रेस, अगर आप चाहते हैं कि वीडियो की प्रोग्रेस हो वो दिखाई दे तो आप यहाँ पे मार्क अनमार्क कर सकते हैं। फिर आप चाहते हैं कि कीबोर्ड शॉर्टकट, नीचे आपको ऑप्शन मिलता है कॉन्फिगर रिकॉर्डिंग शॉर्टकट। तो आप इस पर क्लिक करके जो रिकॉर्डिंग का कीबोर्ड के शॉर्टकट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे जो भी ऊपर ग्रुप इनवाइट ऑल फेसबुक, इस पर ये किस काम का नहीं है। फ्रेंड इनवाइटेड प्रो, ये भी किसी काम का नहीं है क्योंकि आपको ओनली स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है, तो ये आपके काम के लिए नहीं है।
स्क्रीन कास्टिफाई, स्क्रीन रिकॉर्ड वीडियो। तो एक्टिवेट द एक्सटेंशन, आप एक्सटेंशन में रिकॉर्डिंग करने के लिए आप यहाँ पे कुछ भी अलर्ट प्लस कुछ भी वर्ड लिख सकते हैं। जैसे आपको इसको प्रेस करने से आपको कोई भी ओपन हो जाएगा। तो आपको जैसे मैं करता हूँ अलर्ट प्लस आर। अगर आप स्क्रीन कास्टिफाई से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप ये ऑप्शन क्लिक करने पर आपकी जो क्रोम के एक्सटेंशन है उसमें रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप नीचे ऑप्शन मिलता है चेंज रिकॉर्डिंग फोकस टू करेंट टैब। आप किसी टैब में फोकस करके रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कोई भी कीवर्ड चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे करंट फोकस टू करंट, तो ऐसा कोई शॉर्ट वर्ड जैसे करंट का मैं सी लिख लेता हूँ, तो सी हो गया है। आप चाहते हैं कि पॉज एंड रिज्यूम रिकॉर्डिंग, तो उसके लिए आप कोई शॉर्टकट कीवर्ड ढूंढ लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे पॉज का पी कर लिया, तो पी इन क्रोम। आप यहाँ पे बाद में ऑप्शन मिलता है आपको कि इन क्रोम, आप ये चाहते हैं कि क्रोम में ही हो या फिर उसके बाद जो अंदर डेस्कटॉप है या किसी दूसरे ब्राउज़र या उसमें फाइलों में रिकॉर्डिंग हो उस टाइम चाहते हैं आप। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है स्टार्ट एंड स्टॉप रिकॉर्डिंग। स्टॉप एंड स्टार्ट रिकॉर्डिंग में आप कोई भी, जैसे इसका शॉर्टकट बेस्ट रहेगा एस, तो आप एस चूज़ कर लीजिए। आपको यहाँ पे इनक्रोम कर लेना, आप अपनी मर्जी से या तो इनक्रोम कर ले या ग्लोबल कर ले। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर लेना है। तो इस टाइप से कुछ सेटिंग है इसकी। फिर मैं इसकी रिकॉर्डिंग करके बता देता हूँ आपको। जैसे टैब, आप यहाँ पे जो भी है माइक्रोफोन आप चूज़ कर लीजिए कि ऑडियो आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। फिर आप वीडियो अनेबल्ड एडवांस में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है टैब की साइज़, उसके बाद मैक्स फ्रेम रेट मिलती है, लिमिट रेजोल्यूशन मिलता है, काम डाउन कितने सेकंड का चाहते हैं आप, शो टैब ड्राइंग टूल्स। इसमें आपको ड्राइंग टूल्स भी मिलता है जिससे आप किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हो तो हाईलाइट कर सकते हैं। फिर मैं रिकॉर्ड टैब पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं रिकॉर्ड टैब पे क्लिक करूँगा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और आपको यहाँ पे ये ऑप्शन मिलता है। ये यहाँ पे एक्सटेंशन का स्क्रीन कास्टिफाई का एक्सटेंशन था, इसके ऊपर ये रेड कलर की डॉट डॉट हो रहा, इसका मतलब आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस रिकॉर्डिंग को प्रेस स्टॉप करना चाहते हैं, प्रेस करना चाहते हो, तो वो शॉर्टकट थोड़ी देर पहले शॉर्टकट बताया, तो उस शॉर्टकट से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हैं। तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। जैसे मैंने स्टॉप किए तो फिर मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो आपकी रिकॉर्डिंग प्रोसेसिंग वीडियो, आपका वीडियो प्रोसेस हो रहा है और आपको यहाँ पे वीडियो मिलता है। माय रिकॉर्डिंग में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। ये आप वीडियो देख सकते हैं कि आपका वीडियो इस टाइप से हो। जैसे आपका वीडियो रिकॉर्ड होता है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि सेव टू डिस्क। अगर आप सेव डिस्क में सेव करना चाहते हैं तो डिस्क में सेव हो सकता है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे कि आप यूट्यूब पे अपलोड करना चाहते हैं या गूगल ड्राइव में करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से किसी में भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है वीडियो को, तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ पे करना। आपको लास्ट ऑप्शन मिलता है डिलीट का, तो आप यहां से वीडियो को डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपने इजीली स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने पीसी और कंप्यूटर की। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ प्लीज़।